दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर के लेट रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की लिखी हुई सबसे बेस्ट पोएम्स में से एक, जिसका नाम है ओड टू ए नाइटिंगेल। ओड टू ए नाइटिंगेल को 1819 में हैम्पस्टीड में लिखा गया था और 1819 में ही इसको पब्लिश करवाया गया था। इस पोएम को दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एक ही दिन में, पूरे एक दिन के अंदर कंपोज किया था इसको जॉन कीट्स ने। बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों, इसके अंदर 8 स्टैंजा है। जिस वक्त इसको लिखा गया था उस वक्त लिटरेरी पीरियड चल रहा था, रोमांटिक पीरियड, लेट रोमांटिक पीरियड दोस्तों। इसके अलावा ये जो पोएम है ये 8 स्टैंजा है तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसको ढंग से समझा दूंगा, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस पोएम को मैं दो पार्ट्स में कवर करूँगा, इसके 4 स्टैंजाज में इस पार्ट में डिस्कस करूँगा, बाकी के आगे की 4 स्टैंजा में अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें लेकिन ढंग से पढ़ें। तो ये इस पोएम का स्टेंजा फर्स्ट है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इस पोएम की शुरुआती लाइन में कीट्स लिखते हैं, माय हार्ट एक्स, मेरा दिल दुखता है, एक्स का मतलब दुखता है, एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, और ऐसा दर्द है कि मेरा शरीर सुन्न सा हो गया है, नमनेस आ गई है, जैसे लकवा आ गया हो, पैरालाइज हो गया हूँ। माय सेंसेस, मेरी सेंसेस को, मेरी इंद्रियों को ऐसा लग रहा है, As though of hemlock I had drunk, जैसे मैंने hemlock पी लिया हो, hemlock एक टाइप का poison पी लिया हो। I hope ये ऊपर की दो लाइनें क्लियर हैं, और emptied some dull opiate of the trains, या फिर कोई dull pain killer पी ली हो। यहाँ पे दोस्तों opiate का मतलब अफीम होता है वैसे दो, लेकिन यहाँ पे pain killer कहा है Keats ने, तो वो मैंने पी ली हो। To the drains का मतलब पी ली हो। 1 minute passed, एक मिनट पहले, and Leith Waters had sunk, जैसे उसने लीथ रिवर का पानी पी लिया हो। लीथ रिवर दोस्तों माना जाता है कि लीथ एक ऐसी रिवर है जिसको पीकर, जिसके पानी को पीकर लोग सब कुछ भूल जाते हैं, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस माना जाता है लीथ रिवर को, तो वो पानी मैंने पी लिया हो। तो शुरुआती 4 लाइनों में ऐसा हाल हो रहा है कीट्स का, यहाँ पे उनको लग रहा है कि उनको लकवा आ गया हो, या फिर वो सब कुछ भूल गए हों, उन्होंने कोई पॉइजन पी लिया हो। इट इज़ नॉट थ्रू एनवे ऑफ द हैप्पी लॉट। अब इस लाइन में कीट्स नाइटिंगेल को बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी से जलन फील कर रहा हूँ, मतलब मुझे तुम्हारी खुशी से जलन हो रही है। एनवे का मतलब है जलन। बट बींग टू हैप्पी इन द हैप्पीनेस, बल्कि मैं तो खुश हूँ तुम्हारी खुशी में। दैट दाओ लाइट विंग ड्रायड ऑफ द ट्रीज, तुम तो एकदम लाइट विंग्ड, मतलब हल्के पंखों वाली ड्रायड हो पेड़ों की, तुम हल्के पंखों वाली पेड़ों की देवी हो। दोस्तों ड्रायड पेड़ों की देवी होती है, वो कहा है नाइटिंगेल को कीट्स ने कि तुम तो ड्रायड हो। इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीचन ग्रीन एंड शेडोज नंबरलेस, यानी छोटे से ज़मीन के हिस्से पर, प्लॉट पर, जहाँ बीच पर लगने वाले ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं, इसमें तुम्हारे सॉन्ग की मेलोडियस आवाज़ गूंज रही है। सिंगेस्ट ऑफ समर इज फुल थ्रॉटेड ईज, इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पे कीट्स बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो ये सिंगिंग है ये समर की तरह है, जो इंग्लैंड में बहुत ही लवली सीजन माना जाता है समर को, उसकी तरह है, तुम अपना गला फाड़ के जोर जोर से गाती हो। फुल थ्रॉटेड का मतलब तुम जोर जोर से लाउडली गा रही हो। ईज का मतलब आराम से, आसानी से, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही तुमको। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेंजा ख़त्म होता है, अब हम लोग सेकंड स्टेंजा पे चलते हैं। ओ फॉर अ ड्राफ्ट ऑफ विंटेज, दोस्तों ड्राफ्ट का मतलब होता है पीना, और विंटेज का मतलब एक टाइप की वाइन, तो यहाँ पे कीट्स एक टाइप की वाइन पीना चाहते हैं। दैट हैथ बीन, जिसको रखा गया हो, कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डवेल्ड अर्थ, जिसको एक लंबे समय से कूल डीप अंडर द ग्राउंड रखा गया हो, मतलब धरती में गड्ढा खोद के उसके अंदर रखा गया हो लंबे समय से, वैसी कोई वाइन पीना चाहते हैं यहाँ पे कीट्स। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, उस वाइन को पी करके कीट्स को ऐसे लगेगा जैसे वो उन फूलों को टेस्ट कर रहे हैं, फ्लोरा मतलब फूलों को, जिनसे ये वाइन बनी हुई है, जिनसे ये शराब बनी हुई है। एंड अ कंट्री ग्रीन, और कंट्री साइड वाले ग्रीन पेड़ पौधों की याद आएगी इस शराब को पीने से कीट्स को। डांस एंड प्रोवेंशियल सॉन्ग एंड सनबर्न मर्थ,
यानी डांस करते हुए म्यूज़िक बजाते हुए प्रोविंशियल वाले इलाके के किसानों की खुशी की भी याद आएगी कीट्स को जब ये वाइन पियेंगे कीट्स। इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे हैं प्रोवेंस में बनी हुई वाइन चाहिए कीट्स को। प्रोवेंस फ्रांस में एक जगह का नाम है, वहाँ की वाइन चाहिए कीट्स को। ओ फॉर द बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ। बीकर का मतलब वो प्याला जिसमें शराब रखी जाती है, तो कीट्स के लिए शराब का प्याला साउथ से आए। फुल ऑफ ट्रू एकदम खरा हो। द ब्लशफुल हिपोक्रिन कलरफुल हो। ब्लशफुल का मतलब कलरफुल हो, वो प्याले में जो शराब हो वो कलरफुल हो। हिपोक्रिन एक टाइप का फाउंटेन है दोस्तों, एक फाउंटेन है, एक झरना है हिपोक्रिन। उसका जो पानी है वो वाइन की तरह लग रहा है कीट्स को, तो वो पानी मांग रहे हैं कीट्स। विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, जिसके ऊपर की तरफ किनारों पर बबल्स फूट रहे हो। एंड पर्पल स्टेन माउथ, जिसे पीने के बाद मेरा मुंह पर्पल हो जाए। वाह क्या इमेजिनेशन है। दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और उसे मैं पीऊँगा और इस वर्ल्ड को छोड़कर चला जाऊँगा, यानी रियल वर्ल्ड से गायब होकर। एंड विद दी और तुम्हारे साथ, फीड अवे इनटू द फॉरेस्ट रिम, गायब होकर जंगलों में चला जाऊँगा पेड़ों पर। यहाँ पे नाइटिंगेल को कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ मैं जंगलों में चला जाऊँगा। यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेंजा ख़त्म होता है, हम लोग तीसरे स्टेंजा की तरफ चलते हैं। फेड फार अवे कहीं दूर। डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हैज नेवर नॉन, यानी कीट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ह्यूमन बींग से दूर ट्रीज़ के बीच में जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं ये इंसानों वाली दुनिया को भूल सकूँ। द वियरीनेस द फीवर एंड द फ्रेट, क्योंकि यहाँ पे इस इंसानों की दुनिया में वियरीनेस है, फीवर है, बीमारियाँ हैं और फ्रेट चिड़चिड़ापन है। हेयर वेयर मैन सेट एंड हेयर ईच अदर ग्रॉन, यहाँ लोग आपस में बैठते हैं एक साथ और एक दूसरे का दर्द सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। मैं लोगों को भूलना चाहता हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पे कीट्स खुद की और खुद की फैमिली की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि कीट्स को ट्यूबरक्लोसिस था, हमको मालूम है ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी थी। उनकी माँ और उनका भाई की भी इसी बीमारी से डेथ हुई थी और वो खुद भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे थे। तभी वो कहते हैं कि यहाँ लोग बीमार हैं। वेयर पॉलिसी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ सैड ग्रे हेयर्ड लोग भी हैं, यानी कि बूढ़े लोग हैं जिनको पॉलिसी नाम की एक बीमारी ने पकड़ रखा है। यानी बूढ़े लोगों को तो पॉलिसी नाम की बीमारी है। वेयर यूथ ग्रोज पेल, जबकि जो जवान लोग हैं, यूथ जो है वो पेल ग्रो हो रही है। स्पेक्टर थिन एंड डाइज, मतलब पतली ग्रो हो रही है, उनके शरीर में कोई जान नहीं है और वो भी मर जाते हैं। वेयर बट टू थिंक इज फुल ऑफ सॉरो, वहाँ दर्द ही दर्द है। एंड लैडन आइड डिस्पेयर्स, और आँखों से चमक एकदम गायब सी हो गई है, चमक वाली आँखें गायब है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, यानी ब्यूटिफुल वुमेन जो हैं उनकी आँखों की चमक गायब हो जाती है, बहुत जल्दी गायब हो जाती है, ज़्यादा टाइम तक वो अपनी आँखों में चमक रख नहीं पाती, डल हो जाती है उनकी आँखें। और न्यू लव पाइन इन दैम बियॉन्ड टुमारो, इस लाइन का मतलब यह है कि या फिर जो आशिक अभी अभी अपनी प्रेमिका के साथ नया नया प्रेम में पड़ा है, उसके लिए भी खुशी बहुत कम टाइम के लिए है, क्योंकि उसकी प्रेमिका की आँख की चमक भी कम हो जाएगी। फोर्थ स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। अवे अवे दूर दूर, फॉर आई विल फ्लाई टू दी, मैं तुम्हारे साथ उड़ जाऊँगा। Not charioted by Bacchus and his parts, और मुझे शराब का देवता, ये Bacchus शराब का देवता आता है, वो अपनी बग्घी लेकर, अपना रथ लेकर मुझे लेने नहीं आएगा, वो और उसके दोस्त, parts का मतलब दोस्त, मुझे लेने नहीं आएंगे। But on the viewless wings of poesy, इस लाइन का मतलब है बल्कि मैं अपने poetic imagination के पंखों से उड़ जाऊँगा, वो पंख जो दिखाई नहीं देते, viewless हैं। poesy का मतलब पोइट्री। Though the dull brain perplexes and retards, लेकिन मेरी उस इमेजिनेशन की उड़ान में मेरा ये डल ब्रेन बाधा डालेगा। ये जो वर्ड है retards, इसका मतलब है बाधा डालेगा।
अब यहाँ तक तो बोल रहे हैं कि मैं जा नहीं पाऊँगा, तुम्हारे साथ उड़ नहीं पाऊँगा, मेरा दिमाग बाधा डालेगा, लेकिन आगे वाली लाइन में बोलते हैं ऑलरेडी विद दी, कि मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ हूँ। टेंडर इज़ द नाइट, ये नाइट का अफेक्शन है, यानी कि सब काला काला दिखाई दे रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उड़ रहा हूँ, अपनी इमेजिनेशन, पोएटिक इमेजिनेशन के पंखों से उड़ रहा हूँ, और ये नाइट का अफेक्शन है, सब काला काला दिख रहा है उड़ते हुए। एंड हैप्पली द क्वीन मून ऑन हर थ्रोन, और यहाँ पे रात जब सब कुछ काला काला दिख रहा है तो सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, क्वीन मून, यानी कि यहाँ पे चांद को क्वीन से कंपेयर किया है, क्वीन मून बोल रहा है यहाँ पे पॉइट उसको, चांद को, जो अपने थ्रोन पर बैठी हुई है, अपने राजगद्दी पर बैठी हुई है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेज, जो क्लस्टर्ड का मतलब घिरी हुई है, अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेज का मतलब स्टार्स से, स्टार ऐसे लग रहे हैं जैसे उसके अटेंडेंट हो, यानी क्वीन मून ऐसे घिरी हुई है अपने स्टार्स अटेंडेंट से रात के टाइम में। बट हियर देर इज़ नो लाइट, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ चांद और तारों के सिवाय कोई रोशनी नहीं है। सेव वॉट फ्रॉम द हेवन इज़ विद द ब्रीजेस ब्लोन, सेव का मतलब को छोड़कर, और इस लाइन का मतलब है सिवाय थोड़ी सी लाइट के जो हवा के साथ आ रही है। थ्रू वर्डरस ग्लूम्स एंड विंडिंग मॉसी वेज्स, इन पेड़ों के मोटे पत्तों में से पास होकर के, जो जिन पेड़ों पर काई लगी हुई, मॉसी का मतलब है काई लगा हुआ होना। दोस्तों यहाँ पे चार स्टेंजास पूरे हो चुके हैं, अगले चार स्टेंजास हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।